महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम 4 से 5 दिन बचा हुआ है, तो बिल्कुल रिवाइज करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा विभिन्न योजनाएं से, बाल विकास की विभिन्न योजनाओं से, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह टॉपिक आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछ सकता है, तो एक बार रिविजन करके चले जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि 27 अगस्त को आपका एग्जाम है महिला परीक्षक वालों के लिए, तो बिल्कुल रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, महिला पर्यवेक्षक में विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्लास। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास के विभिन्न योजना जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम 27 अगस्त को होने वाला है, यानी कि 4 से 5 दिन बचा हुआ है, तो एक बार अंतिम से तैयारी करके जाइएगा, रिवाइज करके, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 2 से 3 नंबर। तो जितने भी योजनाएं हम आपको कराएंगे, जैसे कि आपको डेट याद रखना है, वहाँ से आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं डेट और उद्देश्य, ठीक है। तो हर एक नानी बेरा अभियान जो योजना का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को, स्थान बस्तर, उद्देश्य पूछ सकता है। महिला एवं बच्चे जो कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित है उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, किसमें? हर एक नानी बेरा अभियान योजना में। कब प्रारंभ किया गया है? 2 अक्टूबर 2019। जो टॉपिक को बोलूंगा उसको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चमक अभियान और सजग कार्यक्रम जो है उसका सहयोग यूनिसेफ द्वारा महिला बाल विकास विभाग। उद्देश्य याद रखना, आंगनबाड़ी के बच्चों को समग्र विकास हेतु। इसके बाद है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, दाई दीदी क्लिनिक योजना। याद रखना अच्छे से इस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक? दाई दीदी क्लिनिक योजना। आरंभ 19 नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत। किसके तहत? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत। स्थान आपका 3 नगर पालिका निगम में, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ठीक है। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल ने कल ही आपका महासमुंद जिले को नगर निगम में कहने के लिए दिया गया है, नगर पालिका था अब नगर निगम बन गया है। याद रखना, दाई दीदी क्लिनिक योजना से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा प्रैक्टिस के साथ। उद्देश्य पूछ सकता है कि महिला कर्मचारी द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज हेतु। कभी भी एग्जाम में पूछेगा दाई दीदी क्लिनिक योजना, मतलब वो निःशुल्क रहेगा इलाज, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? महिला कर्मचारी द्वारा महिला मरीजों के निःशुल्क इलाज हेतु। देश की पहली स्पेशल क्लिनिक योजना है, याद रखना, देश की यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला क्लिनिक योजना है ये। एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर से कि दाई दीदी क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है, इसे कब आरंभ किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है। तो क्या कहेंगे? देश का पहली महिला स्पेशल क्लिनिक योजना। जननी सुरक्षा योजना को एक बार ध्यान से समझना, जो कि आरंभ 2005 में हुआ है। उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सबसे इम्पोर्टेंट है प्रावधान। तो जननी सुरक्षा योजना में आप याद रखना, प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपये राशि दी जाती है। अब यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को कितनी रुपये दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जननी सुरक्षा योजना के तहत शहरी महिलाओं को कितने रुपये दिया जा रहा है, तो शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। बस याद रखना, ग्रामीण को 14, शहर वालों को 1000, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ 2005-06 में हुआ है। ये नहीं पूछेगा सिर्फ आपका पूछेगा 25,000 रुपये, जो कि अभी वर्तमान में आपका 50,000 रुपया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 25,000 रुपये से बढ़ाकर आपका 50,000 रुपये कर दिया गया है। उद्देश्य याद रखना कि निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण हेतु। पात्रता कौन कौन है? तो याद रखना, यहाँ पर पात्रता है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के अधिकतम 2 कन्याओं को शर्त पूरा करने पर यह पुरस्कार राशि मिलेगा।
चलिए याद रखना, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह योजना प्रोत्साहन राशि 1,00,000 रुपए है। विशेष याद रखना, पति पत्नी दोनों की निःशक्तता की स्थिति में 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। धनलक्ष्मी योजना क्या है? कन्या शिशु जन्म के दर में वृद्धि हेतु संचालित योजना। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बताया था दाई दीदी क्लिनिक योजना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जननी सुरक्षा योजना को एक बार ध्यान से समझ लेना। फुलवारी योजना छोड़ दीजिएगा, उतना महत्व नहीं है। यह आपका महिला परीक्षा के सिलेबस में भी है, वजन त्यौहार वाला जो प्रारंभ 2012 में हुआ है। उद्देश्य याद रखना, कुपोषण मुक्ति हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। वजन त्यौहार का उद्देश्य क्या एग्जाम पूछेगा, तो 0 से 5 वर्ष याद रखना इम्पोर्टेंट है। 37.7% बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे, जबकि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार संचालित विभिन्न अभियानों में परिणाम स्वरूप इस आंकड़े का 30.79% ही कमी दर्ज की गई है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वजन त्यौहार का जो अभियान है उसमें कमी कितने प्रतिशत की कही गई, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है। ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला पूछेगा कि 13.79% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा फिरा के इसको दे देगा 13.89। तो अब क्या करेंगे, इसको भी ठीक लगा सकते हैं। चिरायु योजना छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछेगा उतना। समेकित बाल विकास योजना आपके महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में है, तो शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1975। उद्देश्य याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्व है। और जो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ सकता है कि बच्चों के उचित मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। उद्देश्य क्या है? संकेतिक बाल विकास योजना के तहत आपके महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में भी पूछा गया है कि उद्देश्य बच्चों के उचित मानसिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक तथा सामाजिक विकास का नींव डालना। याद रखना, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को सुपोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधारना है, और मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना है। बाल विकास को बढ़ावा देना है। सबसे बात याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास योजना, तो उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, और विभिन्न विभाग में नीति निर्धारण और कार्यक्रम को प्रभावकारी में तालमेल बनाना है। बस एक नंबर यहाँ से पूछ सकता है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। इसको भी छोड़ दीजिएगा, उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना 181 महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है, टोल फ्री नंबर पूछेगा 181, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिएगा, महिला कोष वाला उतना महत्व नहीं है, स्वावलंबन योजना भी उतना महत्व नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। जो योजना इम्पोर्टेंट है उसकी को करा रहा हूँ ना मैं, इसको भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिए किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना महिला वाले विभाग आंगनबाड़ी वाले विभाग के सिलेबस में दिया है। लक्षित समूह है 13 से 11 वर्ष की किशोर बालिकाएँ। लागू जिला है सबला योजना संचालित जिलों को छोड़कर। प्रावधान क्या है, तो पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभाग की संस्था पर संगठन करवाना और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शाला त्यागी बालिकाओं की आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और नोनी सुरक्षा योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 रायगढ़ जिला में। भारत शासन द्वारा पूरे देश में 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया है। कौन कितने जिलों में, 161 पूरे भारत देश में। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एवं बीजापुर को चयन किया है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ में मात्र 2 जिलों में लागू किया गया है, रायगढ़ और बीजापुर जिला। याद रखना रायगढ़ बीजापुर। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी जो भी बच्चे हैं 12 तक की शिक्षा पूर्ण होने पर 18 वर्ष के विवाह न होने की स्थिति में 1,00,000 रुपया दिया जाएगा नोनी सुरक्षा योजना में। चाहे कुछ भी हो, अगर आप याद रखना ये वाला टॉपिक, नोनी सुरक्षा योजना 1,00,000 रुपया। बस हो गया। महतारी जतन योजना उतना महत्व तो नहीं है, ये भी उतना महत्व नहीं है, जितने भी महत्व है उसको करा रहा हूँ ना मैं, फिर भी एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है ना।
कहीं एग्जाम में आ गया तो। महतारी जनधन योजना एग्जाम में आपका आ जाएगा तो क्या करेंगे, प्रारंभ आपका मई 2016। इस योजना का जो क्रियान्वयन है ना, आंगनबाड़ी केंद्र के बीच में किया जाएगा। यह गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बस इतना याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है महतारी जनधन योजना में, कि उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, गर्म गर्म मतलब गर्म गर्म खाने पीने की चीज़ दिया जाएगा, मतलब भोजन, और ये आंगनबाड़ी से संबंधित है, बस और कुछ नहीं है, ये उतना टॉपिक नहीं है। उज्ज्वला गृह योजना को एक बार समझ ले। बच्चों और महिलाओं के मानव तस्करी के निवारण तथा व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित बचाव का पुनर्वास हेतु अंशदान केंद्रीय स्वच्छता के लिए 60.30.10, अगर 0.0 इसको काट दिया जाए तो 6.31%, 6:3, ये इतना आ सकता है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ लो, तो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर कवर हो जाएगा महिला पर्यवेक्षक में। तो आप सभी को बेस्ट प्लग है ना, आप सभी को बेस्ट प्लग, और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, कोई बात नहीं। राकेश, हम आपको कल क्लास कराएंगे, मैं सभी ना हॉस्टल बढ़ाने का जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए एक विशेष सूचना, कुछ ही दिनों बाद इसकी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जाएगा हॉस्टल बढ़ाने का, जिनको तैयारी करना है तो जुड़े।